हाय फ्रेंड्स, बिहार में जो है 2020 की नई भर्ती आ चुकी है, जो कि बिहार के सभी अंचलों में बहाली होगी, बंपर बहाली, जो कि 3738 पदों पर बहाली होने वाली है। और ये होगी बहाली डेटा एंट्री ऑपरेटर की। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार में बहाली के लिए रास्ता खुल चुका है और लगातार यहाँ पर बहाली आ रही है। तो यहाँ पर एक नई बहाली आ चुकी है, जो कि सारे जितने भी अंचल है बिहार में, सारे अंचलों में बहाली होगी। तो किस विभाग में बहाली होगी, कैसे होगी, कैसे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, कब तक इसका कट ऑफ डेट है, कैसे कैसे भरना है आपको, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस जरूर कर दीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि इस तरह का अपडेट हमारा जैसे भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दिखाते हैं इसका पूरा अपडेट। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं ये आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, बिहार के अंचलों में बहाल होंगे 3738 ऑपरेटर, मतलब कि डेटा एंट्री ऑपरेटर। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। सेमिनार, मतलब हर अंचल में जो है 7 नए डेटा ऑपरेटर नियुक्त किए जाएंगे। यानी जितने भी अंचल है बिहार में, एक एक अंचल में जो है 7, यानी कि 7 डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO बहाली किए जाएंगे। और बहाली के लिए जो है राज्य सरकार से सहमति भी मिल चुकी है। सबसे बड़ी बात कि जो राज्य सरकार है, बिहार राज्य सरकार, उसे मंजूरी मिल चुकी है। 4353 जो है कर्मचारी और 1737 अमीन भी मार्च तक मिल जाएंगे राजस्व विभाग को, क्योंकि आपको तो पता ही है इसका जो प्रोसेस वो चल रहा है, और ये जो है बिल्कुल नई भर्ती आने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसका पूरा अपडेट क्या है। राज्य के सभी अंचल कार्यालयों को कामकाज की दृष्टि से मजबूत किया जाएगा, और राजस्व कार्यों को सुगम बनाने के लिए हर अंचल में 7 नए डेटा ऑपरेटर नियुक्त किए जाएंगे। यानी ये जो बहाली होगी फ्रेंड्स, ये बहाली होगी राजस्व विभाग में ही बहाली होगी, और जो है कुल 534 अंचलों में 3738 ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे। यानी जो बिहार राज्य है उनमें कुल जो है 534 अंचल है, तो कितना हो जाएगा, 534 अंचल इंटू 7, यानी हर अंचल में जो है 7 ऑपरेटर बहाल होंगे, तो कुल कितना हो जाएगा आपको 3738 पद पर जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO की नई बहाली होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, और जो है राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने मंगलवार को ये जानकारी जो है भू अभिलेख सर्वे चकबंदी के परिप्रेक्ष्य में आयोजित सेमिनार जब खत्म हुआ उसके बाद दी, और कहा कि हर अंचल में बहाल होने वाले नए ऑपरेटर में 4 जो ऑपरेटर है वो डेटा सेंटर पर रहेंगे, और जो 3 है वो अंचल कार्यालय में काम करेंगे। और इस बहाली के लिए जो है राज्य सरकार से सहमति भी मिल चुकी है, यानी अनुमति प्रदान कर दी गई है। और जो हल्का कर्मचारियों और अमीनों की कमी दूर की जा रही है, जैसा कि आप लोग फॉर्म जो भरे थे उनका बहुत सारा क्या है कि सब कुछ हो चुका है, सिर्फ जो है हाई कोर्ट की वजह से ये लटका हुआ है। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार संयुक्त परीक्षा परिषद में 4353 और कर्मचारियों और 1737 अमीन के चयन की प्रक्रिया चल रही है, और कहा कि दोनों तरह के कर्मी जो है अगले वर्ष मार्च तक विभाग को उपलब्ध हो जाएंगे। यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होंगे बहाल 3738 इतना, और ये कर्मचारी सब मिला करके कब मार्च तक जो है उपलब्ध हो जाएंगे। और कहा कि अपर समाहर्ताओं को जिला स्तर पर जल निकायों के अतिक्रमण के मामलों में नियमित समीक्षा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर यही था फ्रेंड्स अपडेट आपको देना था कि बिहार में फिर से आप लोग तैयार हो जाइए। बेल्ड्रोन का तो एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है, और वो आपको 27 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसका टाइपिंग होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक न्यू वैकेंसी आ चुकी है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। ठीक है, इसी को बोलते हैं डेटा ऑपरेटर, बोल दिए कंप्यूटर ऑपरेटर बोली। ठीक है, डेटा ऑपरेटर का बहाली 3738 पदों पर। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो इसका और भी जैसे आपको आता है अपडेट तो फ्रेंड्स आपके लिए हम लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।